दर्द हो रहा है। और नहीं तो क्या, मुझे क्या शौक है इतनी रात को चिल्लाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ, आज खेत में जा ना सकी, नहीं तो मैं ही कुछ आपका सहायता कर पाती। तुम बात को समझ नहीं रही हो, बात सिर्फ अकेला यह साथ करने का नहीं है, ये जो खेती का प्रक्रिया है, जहाँ हमें तालाब से जाकर पानी लेना पड़ता है, ये बात मुझे अभी खटकने लगा है। पहले के बाद कुछ और था, पहले मैं जवान था, अब थोड़ा हड्डी बसली थोड़ा कमजोर हो गया है ना। वो शब्द तो ठीक है, लेकिन आपने अचानक शहर जाने की बात क्यों कर दी? और नहीं तो क्या, मैंने मदन को खुद देखा है, वहाँ पे बिजली पानी सब कुछ है, और वहाँ पे रात को निकलने के लिए डर भी नहीं लगता है, और वहाँ पे 2600 घंटे बिजली रहता है, और तो और वहाँ पे गर्मी के टाइम पे लोग पंखा भी चलाते हैं, और बच्चे वहाँ पे रात भर तक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं, अब समय है बदलने का, लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे की पीछे ही रह गए। जन्म से लेकर आज तक इस गांव में कुछ भी बदलते हुए नहीं दिखा है, अब तो बारिश भी कम होने लगी है, जिसके वजह से मेरा ये हालत है। बस अब और नहीं, जितनी भी हो सके कोशिश की है, लेकिन क्या फायदा, यह तो जीने मरने की परी है, जिंदा रहूंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा, और मैं भी अपने परिवार को थोड़ा अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, थोड़ा खुशियाँ देना चाहता हूँ, और इस गांव ने मुझे क्या दिया है, और ज्योति को भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। पहले आप शांत हो जाइए, पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। पिताजी ने अपने परिवार अपने जिंदगी में जो करना था किया, आप मुझे अपने परिवार और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आप ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यहाँ हमारा अपना घर है, खेतीबाड़ी है, अपने लोग हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देख, इन सब चीजों की माया में फंसे रहेगी तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगी, और मुझे आगे बढ़ना है। वैसे ज्योति और पिताजी ने खाना खा लिया? ज्योति ने खा लिया, लेकिन पिताजी ने अभी तक नहीं खाया। मुझे नहीं चाहिए,
रात को भी आप कुछ नहीं खाए, आप चाय तो पी लीजिए पिताजी। मेरे खातिर पी लीजिए पिताजी। मैं जानती हूँ कल उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिए, हम ये घर गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप उन्हें गलत मत समझिए पिताजी। मेरे बेटे को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी मेरी तरह फिरा ही है। एक बार जो बोल दिया वो करके ही छोड़ता है। मुझे मालूम है वो इस गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अब मैं खुद को बदल तो नहीं सकता। आप उन्हें तुम इन सब चीजों के बारे में इतना चिंता मत करो। एक अच्छी पत्नी होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और रही मेरी बात, मैं कभी भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और कभी जाना पड़ा तो सिर्फ जाएगा मेरी अर्थी। काका चलो चलो, मैं तैयार हो गई। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। माँ चलती हूँ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कक्का, हम क्या सच में शहर में जा रहे हैं? पता नहीं। क्या आप कभी शहर में गए हैं? हाँ। शहर में आपने क्या क्या देखा? बड़े बड़े मकान, पक्के रास्ते और बहुत सारे लोग, और वहाँ खाने के लिए तरह तरह की चीजें मिलती हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो इसलिए देवता शहर जाने चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे देवता सोचते हैं कि वहाँ तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, क्योंकि वहाँ बिजली और बिजली से मिलने वाली सुविधाएं होंगी। लेकिन मुझे यहीं पर ही रहना है। कोई बात नहीं, जा रहे? अरे काकोटी, मैं तो घर से आ रहा हूँ, थोड़ा बाजार में काम है। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, यूं ही। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है, क्या हुआ बताओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। सुनो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे मुंह ऐसे क्यों लटके हुए हैं? सच सच बताओ क्या हुआ। मैं हरी को लेकर बहुत परेशान हूँ। हरी? हरी को क्या हुआ? वो शहर जाना चाहता है, वहाँ जाकर काम करना चाहता है। यहाँ के खेतीबाड़ी में उसका मन नहीं लगता। क्या? लेकिन क्यों? बात तो वही है, उसे लगता है गांव में उसका तरक्की नहीं हो सकता। अजीब बात है, हरी तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से हो क्या गया है? पता नहीं, जब से शहर से मदन से मिलकर वापस आया है तब से वही बातें बार बार बोले जा रहे हैं। शहर की हवा उसे बुरी तरह लग गई है। तुम्हें उसे समझाया क्यों नहीं?
होड़ी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मदन तो पहले से ही शहर में है। अगर होड़ी भी शहर चले जाएगा तो यहाँ का खेती बाड़ी घर संसार कौन देखेगा? यहाँ बेबी बच्चे सब सुख शांति में जी रहे हैं, अब आशा नहीं इसे। और तुम भी तो अभी बूढ़े हो गए हो, तो तुम्हें भी तो सहारे की जरूरत है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं केवल ज्योति के लिए चिंतित हूँ। मेरे ख्याल में तुम होड़ी के साथ इस बारे में खुल के बात करना चाहिए। कपड़े पहन कर जाते हैं, वो बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन मैं ये स्कूल छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। को खुद देखा है, वहाँ पे बिजली पानी सब कुछ है, और वहाँ पे रात को निकलने के लिए डर भी नहीं लगता है, और वहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है, और तो और वहाँ पे गर्मी के टाइम पे लोग पंखा भी चलाते हैं, और बच्चे वहाँ पे रात भर तक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं, अब समय है बदलने का। लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे की पीछे ही रह गए। जन्म से लेकर आज तक इस गांव में कुछ भी बदलते हुए नहीं देखा है। अब तो बारिश भी कम होने लगी है, जिसके वजह से मेरा ये हालत है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 11 3060 1800
9111-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पिताजी, पिताजी, शायद आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आप अगर बात को मेरी नजर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देख हरी, मेरी सीधी सी बात है, अगर तू सिर्फ बिजली की सुविधा के लिए ये गांव छोड़ना चाहता है तो ये तेरी बेवकूफी होगी। अरे हमारे गांव में भी बिजली आएगी, तब देखना हमारे गांव कितनी अच्छी हो जाएगी, सब फिर शहर से लौट आएंगे। वो सब कब होगा पिताजी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं। तेरे परिवार की ख्वाहिशें, ज्योति की ख्वाहिशें? मतलब पिताजी? मतलब तू अब सिर्फ अकेला नहीं रहा, मालती और ज्योति भी तेरे साथ है। तू जब चाहे मदन की तरह शहर नहीं जा सकता। अरे तेरी बच्ची की पढ़ाई का क्या होगा? इसलिए तो जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसको अच्छी शिक्षा दे सकूँ। अरे हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे तुम लोग सभी ने तो यहीं से मैट्रिक पास और किया। बना क्या, एक किसान? किसान अगर फसल नहीं उगाएगा तो शहर के लोगों का पेट कैसे भरेगा? दूर के पहाड़ हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं, अगर पास चले जाओ तभी पता चलता है असलियत का। अब दिन पहले जैसे नहीं रहे, नई सरकार ने वादा किया है कि हर घर में बिजली आएगी, और मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे पड़ोस के गांव में बिजली के खंभे और लाइन हाल ही में लगाए गए हैं। अगर बिजली आएगी तो पूरी गांव में उजाला ही उजाला, चारों तरफ हम उन्नति कर पाएंगे। अगर गांव के हर आदमी बिजली के चक्कर में शहर चला जाएगा तो गांव का उन्नति कौन करेगा? देख हरी, मदन को मैंने शहर जाने को नहीं रोका क्योंकि उसका अभी परिवार नहीं है, वो अकेला भी रह सकता और कुछ भी करके अपना गुजारा कर सकता, लेकिन तू परिवार वाला है, तुझे मैं और ज्योति को डर डर के ठोकर खाने के लिए नहीं दे सकता। तू मेरे बातों को समझ रहा है ना? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे तेरी मर्जी। बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर में रोशनी, खेत में पंप और
और दुकान घर सड़क में लाइट फिर बिजली से चलने वाली अनेक यंत्र समझी। देवता मुझे बिजली नहीं चाहिए। ज्योति। हाँ माँ, अगर बिजली के लिए मुझे कोकर पर छोड़ना पड़े तो मुझे बिजली नहीं चाहिए। ज्योति तुम ये क्या कह रही हो? हाँ माँ, मुझे बिजली नहीं चाहिए। अगर बिजली के लिए मुझे कोकर को छोड़ना पड़े तो मुझे बिजली नहीं चाहिए। ज्योति ज्योति, मैं भी ज्योति के साथ सहमत हूँ। अगर एकमात्र बिजली के कारण हमें हमारी परिवार को तोड़ना पड़े तो उस बिजली की कोई कीमत नहीं। बाल्टी। जिंदगी में आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ भी रह के लोग खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सी चीजें नहीं मिलती, आधुनिक जीवन जीने के लिए जो भी दरकार वो भी नहीं मिलते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ गांव की जीवन शहर से बहुत अच्छी है। इस बार हर गांव में बिजली की स्थापना की जाएंगी। चलो अच्छा ही हुआ, मरने से पहले कम से कम बिजली तो देख पाएंगे। वो तो है। तो शहर से आकर बहुत अच्छा काम किया। हाँ पिताजी, मेरा मन कहता है जो सड़क गांव से शहर तक जाता है वो सड़क शहर से गांव भी तो आता है। वाह, बहुत अच्छी बात कही तूने। Yeah.